देखिए अब पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में लास्ट टॉपिक बचा है ट्रांजिस्टर, वो भी बता देते हैं। देखिए कितना सिंपल सा है ट्रांजिस्टर। सबसे पहला बात है कि ट्रांजिस्टर में क्या होती है, थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। ये एक सेमीकंडक्टर के थ्री टर्मिनल्स, जिसमें तीन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। एक कहलाता है एमीटर, एक कहलाता है कलेक्टर, और एक जो कॉमन होता है दोनों में वो कहलाता है बेस, ठीक है। चलिए ट्रांजिस्टर का मतलब है क्या, ट्रांजिस्टर नाम कहाँ से आया। ये ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, किसको ट्रांसफर करता है, रजिस्टर को क्या करता है, ट्रांसफर। मतलब कह सकते हैं करंट ट्रांसफर करता है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस को, ठीक है। चलिए ट्रांजिस्टर कहाँ यूज़ होते हैं, रेक्टिफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन में, ऑक्सीलेशन में, ईटीसी, इनकी सब जगह इस टाइप से यूज़ होते हैं। तो इसके जो ट्रांजिस्टर के हैं तीन मेन पार्ट हुए, एक अमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी साइज की। साइज क्या है कि सबसे बड़ा जो साइज होगा वो होगा कलेक्टर का, उससे छोटा साइज होगा अमीटर का, और सबसे छोटा होगा बेस का। तो आई बात समझ में, सबसे बड़ा साइज किसका, कलेक्टर का, उससे छोटा अमीटर का, और सबसे छोटा बहुत नन्ना सा साइज होता है किसका, बेस का, जो दोनों के बीच में सैंडविच होता है, अमीटर और कलेक्टर के बीच में होगा बेस, ठीक। अब बात करें डोपिंग की। डोपिंग में क्या है, जो सबसे ज्यादा डोपिंग होगी वो किस में होगी, एमीटर में। एमीटर क्या होगा, हाईली डोप्ड होगा, ठीक। और जो सबसे सबसे ज्यादा डोपिंग होगी एमीटर में, उससे कम होगी कलेक्टर में, और सबसे कम होगी बेस में। तो बेस का साइज भी सबसे छोटा और क्या होगी, उसमें डोपिंग भी सबसे कम। अगर बात करें साइज की, तो कलेक्टर का साइज बड़ा था मगर डोपिंग एमीटर से थोड़ी कम थी। और डोपिंग की बात करें तो एमिटर में डोपिंग थोड़ी ज़्यादा थी मगर साइज थोड़ा सा कम था, किससे, कलेक्टर से। चलिए खैर, तो एमिटर की, एमिटर का मतलब क्या है कि जो हाईली डोप्ड होगा और सप्लाई करेगा, मोस्टली जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं वो क्या करेगा, या एमिट करेगा, एमिट सप्लाई, यानी कि इसलिए एमिटर नाम रखा गया। और साइज का क्या होगा, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा। बेस की बात करें तो बहुत कम डोपिंग होगी इसमें, लाइटली डोपिंग, बहुत छोटी सी डोपिंग होगी, हल्की सी। और ये क्या करेगा, अमीटर से क्या करेगा, करंट को लेगा और मेजोरिटी चार्ज कैरियर को क्या कर देगा, आगे कलेक्टर को पास कर देगा, यानी कि 2% 3% मोस्टली क्या करेगा, चार्ज कैरियर को अपने पास रखेगा और बाकी को क्या कर देगा, आगे इजेक्ट कर देगा। कहाँ कर देगा, कलेक्टर में भेज देगा, ठीक है। पास मोस्टली अमीटर, इजेक्ट चार्ज कैरियर कहाँ, कलेक्टर में, ठीक। कलेक्टर क्या है, ये मॉडरेट डोपिंग होगी, इसकी जो डोपिंग है वो अमीटर से क्या होगी, कम, मगर साइज बड़ा होगा अमीटर से, ठीक, यानी कि थिक साइज का होगा। और ये क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, कलेक्टर मतलब कलेक्ट, यानी कि चुन लेगा, इसलिए नाम रखा गया कलेक्टर। ये कलेक्ट कर लेगा किसके, मेजोरिटी चार्ज के रेस को, जो अमीटर से आए हैं। 2-3% क्या होंगे, बेसिंग में रुक जाएंगे और बाकी कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप से। इसमें क्या है, ये तीन टर्मिनल्स होंगे, तीन टर्मिनल्स होंगे, और जिस टर्मिनल पे एरो होगा वो अमीटर होगा, और उसके दूसरा अपोजिट क्या हो गया, कलेक्टर। और जो दोनों में कॉमन है, देखिए ये दोनों का कॉमन और इन दोनों का, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, बेस, क्लियर, नेक्स्ट, ठीक है। और अमीटर में क्या होगी, एमिट, ये क्या करेगा, मोस्टली चार्ज कैरियर को क्या करेगा, एमिट, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर को एमिट करेगा, तो इसमें जो डॉपिंग होगी वो क्या होगी, हाई। और ये कलेक्ट करेगा, कलेक्ट यानी कि इसकी जो कलेक्शन है वो मॉडरेट होगी, यानी कि कुछ 2-3% कहाँ जाएंगे, लाइट, हल्के से, दो लाइट मतलब स्मॉल स्मॉल चार्ज कैरियर कहाँ चले जाएंगे, बेस में, और मेजोरिटी फिर बाकी कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में। तो इसकी जो डोपिंग है वो मॉडरेट होती है, और ये सबसे कम और वो सबसे हाई, यानी कि कह सकते हैं सारी मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से जाएंगे, कुछ 2% यहाँ चले जाएंगे और बाकी कलेक्टर में चले जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे दो टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे हमारे पास, एनपीएन और एक पीएनपी, ठीक। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा, दो एन सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी सेमीकंडक्टर को क्या कर दें, सैंडविच कर दें, ठीक। इसमें क्या होगा, एक अमीटर, एक बेस, और जो बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, एक अमीटर और एक कलेक्टर, और जो बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। तो इसमें एनपीएन में पी क्या हो गया, सैंडविच हो गया है दो पी के बीच में, मतलब दो एन के बीच में, पी जो सेमीकंडक्टर है वो सैंडविच हो गया है दो एन के बीच में।
और ये दोनों, एक अमीटर हो गया एक कलेक्टर हो गया, जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो गया, बेस। इस टाइप से आप दिखाएंगे इसको। ये एरो जहां लग रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया अमीटर और उसके अपोजिट हो गया कलेक्टर, और जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो गया, बेस। सेम बात करें पीएनपी की, तो पीएनपी सेमीकंडक्टर क्या होगा, इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो सैंडविच हो जाएगा दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, और इसमें से एक अमीटर एक कलेक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा वो बेस। इस टाइप से दिखाएंगे, ठीक है। सुनिए, जहां जहां एरो लग रहा होगा वो क्या हो गया, एमिटर, और दूसरा क्या हो गया, कलेक्टर, और जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो गया, बेस हो गया। अच्छा, एक बार और ध्यान दीजिए, इसमें मैंने एरो लगाया अंदर की तरफ, इसमें एरो लगाया बाहर की तरफ। एरो किसको बताता है, एरो बताता है एक करंट की डायरेक्शन को। तो इस केस में एनपीएन के केस में जो करंट है वो एमिटर को निकलेगी सारी, और पीएनपी के केस में करंट जो है वो एमिटर से जाएगी सारी। तो एमिटर से जाके कुछ कहां चली जाएगी, कुछ चली जाएगी कलेक्टर में, और कुछ चली जाएगी किस में, बेसिंग में। मैं एरो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बाहर लगा सकता हूँ। तो यहाँ से अमीटर से जो करंट आएगी पीएनपी के केस में, उसके दो पार्ट हो जाएंगे, कुछ चली जाएगी बेसिंग में और कुछ कहाँ चली जाएगी, कलेक्टर में। 2% बेसिंग में चली जाएगी, बाकी 98% कहाँ चली जाती है, कलेक्टर में। ऐसे यहाँ से देखिए, अगर एनपीएन है तो अमीटर में क्या होगी, करंट आती दिखाई देगी। तो जो करंट कहाँ से आएगी, कलेक्टर से, और जो करंट क्या आएगी, बेसिंग से, वो दोनों जुड़ के कहाँ चली जाएंगी, एमिटर में। क्लियर। चलिए, अब कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जितने भी डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी, तो उसमें क्या होगा, दो वायर इनपुट के होते हैं, दो वायर होते हैं आउटपुट के, ठीक है। कोई सी भी आप डिवाइस ले लें, कोई स्विच ले लें, कुछ भी, तो उसमें दो इनपुट होंगे, दो आउटपुट होंगे। मगर ट्रांजिस्टर में हमारे पास केवल तीन टर्मिनल है, और मुझे चाहिए चार, दो इनपुट और दो आउटपुट। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कॉमन लेना पड़ेगा। तो चार टर्मिनल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल को कॉमन लेना पड़ेगा किसी को भी। इसलिए क्या कहते हैं, बेस, यानी कि बेस क्या है, कॉमन है किसके बीच में, अमीटर बेस के बीच में और कलेक्टर बेस के बीच में। यानी कि जो बेस है वो अमीटर के साथ में भी यूज हो जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा अमीटर बेस का, और एक सर्किट बन जाएगा बेस कलेक्टर का। क्लियर हो गई। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग कैसे करेगा, अब सीख रहे हैं। तो बेस इज कॉमन, फिलहाल हम क्या लेके चल रहे हैं, बेस को कॉमन लेके चल रहे हैं, ठीक, विद अमीटर और कलेक्टर के साथ। तो कॉमन क्यों लिया, वो समझ गए, चार टर्मिनल बनाने के लिए। अब देखिए, मैं ले रहा हूं पहले पी एन पी। तो पी एन पी में क्या होगा, जब पी और एन को कंबाइन करूंगा और एक एन और पी को कंबाइन करूंगा, दो जगह जंक्शन हुआ, तो दो जगह डिफ्लेक्शन लेयर बनेगी, पहली बात तो ये है। तो एक बात तो ये ध्यान रखो कि पीएनपी हो या एनपीएन हो, ट्रांजिस्टर हो, उसमें कितनी डिफ्लेक्शन लेयर बनेगी, दो, एक तो पी और एन के जंक्शन पे और एक एन और पी के जंक्शन पे, ठीक। अगले, अब ये देखिए हमें क्या रखना है, जो जिसको हम एमीटर बनाएंगे, एमीटर बेस, एक ये बेस हो गया जो कॉमन है दोनों में, तो एमीटर बेस, एमीटर बेस को हम रखेंगे फॉरवर्ड वाइज, और जो क्या होगा बेस कलेक्टर होगा उसको हम रखेंगे रिवर्स वाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, हम क्या रखेंगे, एमिटर और बेस को क्या रखेंगे, फॉरवर्ड बायस, और क्या होगा, बेस और कलेक्टर को रखेंगे रिवर्स बायस। अब इसको फॉरवर्ड वाइज भी कैसा रखेंगे, स्मॉल, स्मॉल का मतलब ये जो वोल्टेज हम ले रहे हैं ये हल्का लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना लेना पड़ेगा जिससे फॉरवर्ड बेसिंग स्टार्ट हो जाएंगे, डिफ्लेक्शन लेयर को रिड्यूस करके खत्म करके ये स्टार्ट हो जाए मेजोरिटी चार्ज कैरियर। दूसरा, इसमें लार्ज रिवर्स बेस वाइज का मतलब क्या है कि यहाँ जो वोल्टेज है वो हाई लेना पड़ेगा, मतलब इसकी जो बेसिंग है रिवर्स बेसिंग वो हाई करनी पड़ेगी, और हाई कब होगी, जब हाई वोल्टेज लगाएंगे, ठीक। पहली, नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट बात देखें तो सुनिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, फॉरवर्ड वाइज पी एन पी फॉरवर्ड वाइज कब होता है, देखिए तो फॉरवर्ड वाइज जब होगा जब P किससे जुड़ा हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N किससे जुड़ जाए, नेगेटिव टर्मिनल से। कोई भी PN जंक्शन, PN ट्रांजिस्टर, यानी कि जो PN जंक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज कब होता है, जब P टर्मिनल किससे जुड़े, पॉजिटिव से, और N टर्मिनल जुड़े नेगेटिव से। और रिवर्स वाइज कब होगा, इसका उल्टा, जब N जुड़ जाए प्लस से और P जुड़ जाए माइनस से। चलिए, तो ये पहला मुझे क्या बनाना, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बेस बनाना है। तो इसमें बैटरी इस ढंग से लगाऊंगा कि इसका जो प्लस टर्मिनल है वो किससे जुड़े, एमिटर से, मतलब पी से। इसका जो प्लस टर्मिनल है वो किससे जुड़ जाए, पी से, और माइनस टर्मिनल किससे जुड़ जाए, एन से।
तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक, अब इसको क्या बनाना है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे होगा, जब पी है तो पी किससे जुड़ जाए, माइनस से। तो माइनस टर्मिनल किससे जोड़ दिया मैंने, पी से, और जो प्लस टर्मिनल है वो किससे जोड़ दिया, एन से। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। इसको स्मॉल रिवर्स बायस, स्मॉल फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इसका जो बैटरी का वोल्टेज है, मैंने इसको लिख दिया वी ई, ई मतलब एमीटर बेस वाली, ई वी भी लिख सकते हो आप, ठीक, यानी कि एमीटर बेस वाला वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज है कौन सा लिखेंगे, कलेक्टर वाला, कलेक्टर एक लिख सकते हैं या कलेक्टर बेस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जब ये फॉरवर्ड बायस है, ये इसको हम ले रहे हैं फॉरवर्ड बायस, ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज गिर रहे हैं वो कौन होते हैं, होल्स। तो यहाँ से होल्स भागेंगे इधर, भागेंगे क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बेसिस है। फॉरवर्ड बेसिस में कौन मूव करते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी के अंदर कौन है, होल्स। तो होल्स यहाँ से इधर जाएंगे, ऐसे समझते हैं कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए 100 होल्स यहाँ गए, 100 होल्स यहाँ गए, तो इनमें से क्या हो गया, यहाँ पे क्या होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कौन होगी, इलेक्ट्रॉनों की, पी टाइप में होल्स की और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ से जो मेजोरिटी होल्स हैं वो इधर गए, मान लीजिए 100 होल्स यहाँ गए, तो यहाँ पे थोड़े से क्या है, यहाँ पे थोड़े से क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स। थोड़े से क्यों पड़े हैं, क्योंकि इसकी मैंने डोपिंग क्या ली है, बहुत छोटी ली है। तो यहाँ से क्या होगा, लगभग अगर 100 यहाँ होल्स आए, तो इसमें से लगभग 2 होल्स, यानी कि 2% होल्स क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। और बाकी जो 98% होल्स हैं वो मूव कर जाएंगे कलेक्टर में। अब कलेक्टर में मूव कैसे करेंगे जी, बेसिंग में तो करंट फ्लो नहीं करती, बेसिंग में मेजोरिटी चार्ज करंट तो फ्लो नहीं करते। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस मैंने ले लिया, रिवर्स बायस में यहाँ पे अब ये आ गया पीएन, पीएन में मेजोरिटी चार्ज कर रहे थे होल्स, और होल्स फॉरवर्ड के केस में मूव कर गए, तो यहाँ तक आ गए बेसिंग में। अब ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कौन मूव नहीं करेगा, मेजोरिटी कैरियर। मेजोरिटी कैरियर एन के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, मगर होल्स तो मूव करेंगे, और क्योंकि होल्स इसके लिए क्या होते हैं, माइनॉरिटी। और वैसे भी देखिए, जब आप क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन लेयर बनती है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, किसके लिए, एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को चाहेगी इधर और होल्स को चाहेगी आगे, और यहाँ होल्स ही तो हैं, और होल्स की तरफ क्या हो रही, जिधर होल्स जाना चाह रहे हैं उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो इन होल्स को क्या कर देगी, आगे ले जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से अगर 100 होल्स आए हैं तो 2 होल्स यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि 2%, और बाकी 98% कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में। एक तो तरीका ये हुआ, एक और ढंग है सीखने का, जब ये होल्स यहाँ आएंगे तो होल्स क्या करेंगे, होल्स पे क्या होता है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को। तो जैसे होल्स एमीटर से बेस में आएंगे, तो ये क्या करेगा, बेस का जो वायर है इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसके जो होल्स हैं यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को तुरंत एकदम से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, ऊपर, और इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेंगे तो यहाँ से एक करंट भागेगी, क्या क्या बोलेंगे उसे, बेसिंग करंट, ठीक। मगर इस करंट की वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि यहाँ डोपिंग बहुत कम है, डोपिंग बहुत कम है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से इधर जाएंगे, और मोस्टली होल्स कहाँ पहुँच गए होंगे, यहाँ। अब जैसे होल्स यहाँ आएंगे तो होल्स पे यहाँ क्या है, प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, कौन सी बैटरी है ये, बीसी वाली, उसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे थे कहाँ से, बीई से। अब बेसिंग तो बीई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अब ये जो होल्स हैं ये कहाँ से खींचेंगे, बीसी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन भागेंगे उधर, इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे तो करंट कहाँ मूव कर जाएगी, डाउन। तो ये जो करंट निकलेगी इसे बोलेंगे कलेक्टर करंट, यानी कि आईसी। और ये कलेक्टर करंट और ये बेसिंग करंट दोनों मिलके क्या बना देंगी, एमीटर करंट, ठीक है। तो करंट कैसे गई, तो पीएनपी में करंट क्या होती है, एमीटर से एंटर करती है और बेसिंग में जाएगी, कुछ पार्ट बेसिंग में चला जाएगा और कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, कलेक्टर में। ये ऐसे कह लो, बेसिंग और एमीटर से जो मिल गई, एक ही ढंग याद रखो कि पीएनपी में एमीटर से करंट आएगी और कुछ चली जाएगी बेसिंग में और कुछ चली जाएगी कलेक्टर में, दोनों मिलके। तो जो आई ई हुई वो किसके इक्वल हुई, आई बी प्लस आई सी के। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक। एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर कौन मूव कर रहे हैं, होल्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गए, होल्स। तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो चार्ज कैरियर कौन है, ट्रांजिस्टर के अंदर पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कौन है, होल्स। होल्स यहाँ से गए बेसिंग में और बेसिंग से कुछ पार्ट 2% यहाँ रह गए बेसिंग में न्यूट्रलाइज होकर, बाकी कहाँ चले गए, कलेक्टर में। 98% कलेक्टर में जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर वो कौन पीएनपी ट्रांजिस्टर में कौन चार्ज कर रहे हैं होल्स, मगर किसके अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर। अगर हम एक्सटर्नल सर्किट की बात करें, ये कंडक्टिंग वायर, तो इसमें तो सिर्फ कौन है चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो होल्स हैं, और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कौन है, एक्सटर्नल सर्किट में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। मगर ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं उसमें चार्ज कैरियर होल ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन वो इधर जा रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मगर मेजोरिटी की बात करेगा तो कौन है, तो मेजोरिटी की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में तो होल होते नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मगर पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी भी ध्यान रखो, ठीक है। तो देखिए एमिटर जो बेस जंक्शन होगा, एमिटर बेस जंक्शन वो कैसा होगा, स्मॉल फॉरवर्ड बायस। दूसरा, अगर कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस भी कैसा, लार्ज। ठीक, नेक्स्ट देखें होल्स। अगर हम बात करें अब पीएनपी की, तो होल्स मूव फ्रॉम, होल्स कहाँ मूव करेंगे, अमीटर टू बेस, अमीटर से बेस की तरफ कौन मूव करेंगे, होल्स। और क्या होगा, मोस्टली 98% जो होल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, बेस को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में। और बहुत कम, वेरी फ्यू, यानी कि लगभग 2% जो होल्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे, बेस में चले जाएंगे। ठीक है, बेस में इलेक्ट्रॉन्स, और बेस में जो जाएंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लीव करेगा कौन, नेगेटिव टर्मिनल किसका, बीई का, या कह सकते हैं बीईबी का, बीईबी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा इन होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक, और क्या होगा, होल्स, होल्स एंटरिंग टू द कलेक्टर, होल्स जो कलेक्टर में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, उसे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बीसी, जो कलेक्टर वाला वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन तुरंत सप्लाई कर देगा, जहां से एक करंट फ्लो कर जाएगी, कौन सी, इस, जब इसको इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो एक आईसी करंट फ्लो कर जाएगी, जब ईबी को इलेक्ट्रॉन, ईबी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, बेस को, तो वहां से एक आईबी करंट फ्लो कर जाएगी। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, आईई, किसके इक्वल होगा, आईबी प्लस आईसी के। जैसे और देखिए, तो इसमें क्या हो गया, तो पीएनपी, ठीक है, पीएनपी, तो पी एन पी में क्या होगा, जो करंट है दो क्या होंगे, होल्स जाएंगे अमीटर से, क्या जाएंगे पी एन पी में, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, होल्स, तो होल जाएंगे अमीटर से, और उसके कुछ होल्स कहाँ हो जाएंगे, बेस में बैलेंस, और कुछ कहाँ हो जाएंगे, कलेक्ट, बाकी बचे हुए कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में। लगभग 2% होल बेस में चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बाकी 98% बेस को पार करके कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में जाके न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक, तो यहाँ से ये जो एरो है ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ होल्स, होल्स, होल्स की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस चार्ज मूव करता है, उधर ही क्या मूव करती है, करंट। तो ऐसे कह सकते हैं कि पीएनपी में जो करंट है एमीटर से आएगी और कहाँ कहाँ बढ़ जाएगी, बेसिंग में और कलेक्टर में, 2% बेस में और बाकी क्या हो गया, 98 किस में, कलेक्टर में। या ऐसे कह लो एमीटर से जो होल्स आएंगे उसके 2% होल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बेसिंग में, और बाकी 98% बेस को पार करके कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे ये होल्स बेस में आएंगे तो इसके तुरंत क्या करेगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है तुरंत इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भागेंगे इधर इसको, होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और 2% होल्स को ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और बाकी होल्स कहाँ भाग जाएंगे, आगे कलेक्टर में। और जैसे ही कलेक्टर में आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा उधर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बेसिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बेसिंग में और कलेक्टर में, तो वहाँ से एक उल्टी एक करंट निकल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या चलती है, करंट। तो वहाँ से करंट निकलेगी आईबी और वहाँ से करंट निकलेगी आईसी, और ये दोनों करंट मिलकर क्या हो जाएंगी, आईई। ये ऐसे कह लो कलेक्टर से करंट इलेक्ट्रॉन वायर में, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर आए और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कुछ बेसिंग में चले गए और कुछ कहाँ चले गए, कलेक्टर में। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर लो, बस ध्यान रखना जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके उल्टे क्या मूव करेगी, करंट। एक की डायरेक्शन फ्लो ध्यान रखो, करंट की फ्लो की डायरेक्शन याद रख लो तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे होंगे। ठीक है, अब तो आई ई किसके हो गया, आई बी प्लस आई सी। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो आई बी है वो क्या होगा, इस एमीटर करंट का लगभग 2% करंट क्या होती है, आई बी, और बाकी 98% कौन होती है, आई सी। अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज की, तो जो बेसिंग करंट है वो 2 से 10% हो सकती है किसके, कलेक्टर एमीटर करंट के, और जो कलेक्टर करंट है वो 90 से 98% हो सकती है किसके, एमीटर करंट के। ये परसेंटेज कैसे वेरी करेगी, वो डिपेंड करेगा डोपिंग पे। एमीटर की डोपिंग जितनी ज़्यादा हो उतनी बेसिंग करंट क्या होगी, कम,
और बेसिंग की भी डोपिंग जितनी कम हो उतनी बेसिंग करंट क्या हो जाएगी, कम। तो कहने का मतलब है जितनी डोपिंग इसमें एमिटर में जितनी डोपिंग बढ़ेगी उतनी बेसिंग करंट क्या हो जाएगी, कम, यानी कि उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और एक देखिए, अभी कह रहा है बेस करंट में भी नियर, तो जो बेस करंट है वो नियरली कितनी होती है, 2 से 10%। और इसकी जो परसेंटेज है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है किस पे, डोपिंग लेवल पे। डोपिंग लेवल भी किसका, अमीटर का। ठीक है। और बाकी कलेक्टर में कहाँ चली जाएगी, अमीटर करंट जो डिपेंड, जो बाकी 90 से 98% करंट कहाँ चली जाएगी, कलेक्टर में। और एक बात ध्यान रख लीजिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स आर चार्ज कैरियर। इसमें क्या होंगे, होल्स चार्ज, होल्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। किसमें, विद इन, ये इंपॉर्टेंट बात है, विद इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हो कौन होंगे, होल्स। वाइल इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होंगे किसमें, एक्सटर्नल सर्किट में। तो ट्रांजिस्टर के अंदर तो चार्ज कैरियर मोस्टली मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या बोले वो बोलना सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं थोड़े से माइनॉरिटी। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के इनसाइड की बात करें तो होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं, और अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर का वो हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। और हम बात करें कलेक्टर बेस की, तो कलेक्टर बेस हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। नेक्स्ट, अब देखिए वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो वर्किंग की बात देखिए, तो अभी हमने क्या करा, ये एनपीएन ले लिया, पहले पीएनपी लिया था, अब जब एनपीएन, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ये क्या है, पहला देखिए, ये तो हो गया बेसिंग, और एक एमिटर और एक कलेक्टर। इसमें अब के जो एमिटर है वो कौन है, एन। तो एन, इसको एमिटर और बेस को तो हमें क्या बनाना है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब एन किससे जुड़ जाए, नेगेटिव से, और पी किससे जुड़े, प्लस से। तो देखिए बैटरी कैसे लगाई है, कि एन को तो किससे जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल से किसको जोड़ दिया है, पी को। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस भी कैसा होना है, स्मॉल, वो तो आपको पता ही है, हमेशा ऐसे ही रहना है ये। अगर हम बात करें किसकी, बेस और कलेक्टर की, तो ये क्या होना है, रिवर्स बायस। अब ये पीएन है, पीएन है, तो रिवर्स बायस कब होगा, जब एन किससे जुड़ जाए, प्लस से, और पी किससे जुड़ जाए, माइनस से। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस भी कैसा लेना है, लार्ज। लार्ज का मतलब है कि बी सी बड़ी होगी, और स्मॉल का मतलब है कि बी ई छोटी होगी। ठीक है। चलिए अब इसमें सेम कहानी, इसमें जो एन है तो एन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, और जो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो उनमें से 2% ये जो होल्स हैं, पी के अंदर मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल्स, यहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं, इसके 2% इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज, और बाकी 98% इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएंगे, कलेक्टर में, बेस को पार कर जाएंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेजोरिटी कौन है, होल्स, और यहाँ मेजोरिटी फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन के अंदर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, एन के अंदर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, और पी के अंदर मेजोरिटी होल्स की है। तो यहाँ से जो, अब ये अमीटर है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अमीटर, और कहाँ बढ़ जाएंगे, कुछ बेस में और कुछ कलेक्टर में, 2% लगभग बेस में, और बाकी 98% कलेक्टर में। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये जो होल्स इसमें मेजोरिटी है, पी के अंदर मेजोरिटी कौन है, होल्स की, तो ये होल्स क्या करेंगे, इसके 2% इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और बाकी 98 आगे ट्रांसफर कर देंगे। बात वही है कि रिवर्स बेसिस में ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, तो रिवर्स बेसिस में क्या है, जब भी यहाँ पे क्या है, ये डिफ्लेक्शन लेयर बनती है, तो डिफ्लेक्शन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, किधर, एन से पी की तरफ। ठीक। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी, तो ये भाग जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन आगे। अब ऐसे एक दूसरा ढंग और सीख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ये जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में आएंगे, तो ये बेस का ये जो बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को तुरंत क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागेंगे, तो करंट कहाँ भाग जाएगी, ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन बाकी 98% इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएंगे, तो करंट कहाँ भाग जाएगी, ऊपर। ठीक है। समझ आ रही बात नहीं। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आए, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये जो प्लस टर्मिनल है, इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ अट्रैक्ट करेगा, मगर लगभग 2% को, 2% क्यों, क्योंकि यहाँ डोपिंग बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो एक बेसिंग करंट ऊपर चली जाएगी, बाकी 98% इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इधर खींच लेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो करंट कहाँ भाग जाएगी, कलेक्टर करंट। तो पहले पीएनपी में तो करंट नीचे आ रही थी, इसमें करंट कहाँ जा रही, ऊपर, इसमें करंट कहाँ जा रही, ऊपर। तो आपके क्या है, करंट,
तो एनपीएन में करंट कहाँ से निकल रही, एमीटर से निकल रही है, और कुछ जा रही कलेक्टर में, और कुछ कहाँ जा रही बेसिंग में। उसमें क्या थी, पीएनपी में एमीटर एमीटर में जा रही थी और बेसिंग में निकल रही थी और कलेक्टर में जा रही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, तो ध्यान रखना एमीटर बेस जंक्शन क्या होगा, हमेशा स्मॉल फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस एमीटर जंक्शन की बात करें तो वो क्या होता है, लार्ज रिवर्स बेस्ड होता है, ठीक है। आगे तो फॉरवर्ड बेस इन एमीटर बेस, देखिए फॉरवर्ड बेस फॉरवर्ड बायस इन एमीटर बेस, जो एमीटर बेस है वो कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे एमीटर से किधर, बेस की तरफ, एमीटर से बेस की तरफ क्या कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, ये कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बेस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, एमीटर से बेस की तरफ। और 98% क्या होंगे, लगभग मोस्टली यानी कि लगभग 90% जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में। दूसरा लगभग बहुत कम लगभग कितने, 2% इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे होल के साथ, किसके होल के साथ, बेस के अंदर जो होल्स हैं, होल की जो मेजोरिटी है उसके साथ लगभग 2% इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है। या वही कहिए जो मैंने आपको पहले बताया था, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को इस किसका बी ई का पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, जिससे एक बेसिंग करंट पास हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बी सी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कलेक्टर के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, जिससे एक बी सी करंट पास हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, बी सी अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉनों को और क्या हो जाएगी, एक बी सी करंट पास हो जाएगी, क्लियर। केस वही है आपके भी उसमें, कि जो अमीटर की करंट है बेसिंग प्लस कलेक्टर दोनों मिलकर क्या होंगी, अमीटर, और बेसिंग जो करंट है वही होती कितनी, 2 से 10%, और जो कलेक्टर का करंट है वो 90 से 98%, किसके, एमीटर करंट के, ठीक। इसकी डॉपिंग फिर उसी पे डिपेंड करेगी, किस पे, ये जो परसेंटेज है बेसिंग करंट की वो डिपेंड करेगी किस पे, एमीटर की डॉपिंग पे। एमीटर की डॉपिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी बेसिक करंट की परसेंटेज कम होती चली जाएगी, क्लियर। परसेंटेज कम होगी, बेसिंग करंट कम की बात नहीं कर रहे, जैसे जैसे डॉपिंग बढ़ेगी एमीटर में वैसे वैसे बेसिंग करंट की परसेंटेज कम होती चली जाएगी, क्लियर। देखिए और एक बात आ गई, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर विद इन द ट्रांजिस्टर एज वेल एज एक्सटर्नल सर्किट। तो पीएनपी है तो उसमें जो चार्ज कैरियर थे वो कौन थे, ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स, और एक्सटर्नल सर्किट में कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर हम बात करें एनपीएन में तो इसमें ट्रांजिस्टर के अंदर भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि माइनॉरिटी इसमें होल्स हैं और जो रिवर्स चलेंगी, मगर मेजोरिटी की बात हो रही है तो मेजोरिटी इसमें ट्रांजिस्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन देख लीजिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर होल्स मूव फ्रॉम एमीटर टू बेस, तो ये कह रहा है होल्स मूव करेंगे एमीटर से बेस से नहीं, एमीटर से बेस की तरफ कौन भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एन का मतलब मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भाग, मेजोरिटी चार्ज कैरियर भागेंगे एमीटर से बेस की तरफ, और बेस से आ गए कलेक्टर में, तो कह रहा है होल्स मूव करेंगे नहीं, होल्स मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एमीटर टू बेस। ये कह रहा है नेगेटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, सही बात है, नेगेटिव चार्ज कैरियर मूव करेंगे कहाँ से, एमीटर टू बेस, बिल्कुल सही बात है, यही करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो कर लो। होल्स मूव फ्रॉम द बेस टू कलेक्टर, होल्स क्या होंगे, वो बेस से कलेक्टर की तरफ करेंगे नहीं। अगर हम बात करें एनपीएन में तो एनपीएन में जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर हैं, माइनॉरिटी कैरियर हैं तो काम मूव करते हैं वो कलेक्टर से बेस और बेस से अमीटर। इलेक्ट्रॉन का देखिए इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी और पी से एन, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स, तो होल्स कैसे मूव करते हैं, ऐसे, अरे बात समझ में कि नहीं, और वो भी इस केस में मुश्किल से मूव करेंगे क्योंकि ये रिवर्स बायस में होता है, नहीं रिवर्स बायस हो या फॉरवर्ड बायस हो माइनॉरिटी तो मूव करी जाती है, ठीक है। चलिए अब ये क्या, ट्रांजिस्टर कॉन्फिगेशन, तो ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फिगेशन है